शिप का प्री ज्वाइनिंग मेडिकल्स। तो दोस्तों, शिप के प्री ज्वाइनिंग मेडिकल्स में क्या क्या होता है और आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, सेलर ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आपका सेलर फ्रेंड शुभम, आज आया हूं एक नया टॉपिक लेके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हो मेरा जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो प्री शिप मतलब प्री ज्वाइनिंग अगर जब होता है शिप पे आप चढ़ने से पहले जो ज्वाइनिंग होता है उसका मेडिकल। तो आप देख सकते हो कि कितने सारे पेजेस है, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। तो दोस्तों, अगर आप शिप ज्वाइन करने वाले हो तो सबसे पहले आप कंपनी अपनी आपसे कॉन्टेक्ट करेगी और वो कहेगी कि इस मेडिकल सेंटर में आप जाइए और वहां पे मेडिकल करवाइए। तो दोस्तों, जो कंपनी है वो एक आपको या तो आपको मेल भेजेंगे या फिर वो डायरेक्ट जो मेडिकल सेंटर है वहां पे एक प्री रिक्वेस्ट का लेटर भेजेंगे कि उस लेटर में रहेगा कि आप आने वाले हैं वहां पे, आपका रैंक रहेगा और आपका पूरे डिटेल्स रहेंगे और आपका जो जो मेडिकल मतलब जिस कंपनी का क्या क्या ये है तो उसके बारे में रहेगा। तो आप बिलो 31 एज में आते हो तो आपका एक कोई अलग मेडिकल्स का एक कोई ये होता है, मुझे एग्जैक्टली इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन जितना मैंने वहां पे देखा जो बिलो 31 एज है उनका अलग होता है, थोड़ा अलग होता है प्रोसेस, और जो अबाव है तो उनका एक थोड़ा अलग होता है। तो चलिए जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट, आपका CDC और आपको फोटोकॉपीज लगेंगे। मुझे 6 फोटोकॉपीज लगे थे, तो वो पता नहीं मेडिकल सेंटर टू सेंटर शायद वेरी करता होगा, लेकिन कंपनी आपको बता देगी कि कितने फोटोज लगेंगे। आपको पासपोर्ट और CDC और वो जो भी अगर प्री रिक्वेस्ट लेटर है तो स्कैन कॉपी रहा तो भी चलेगा, वो बस आपको दिखाना होता है वहां पे, फिर वो लोग सर्च करके उनको पता चलता है कि हाँ भाई ये बंदा आने वाला है और ये सब इसका मेडिकल करना है। तो ये हो गया दोस्तों सबसे बेसिक स्टेप। और इसके बाद में आपको ध्यान रखना होगा कि आपको 12 आवर्स फास्टिंग करना होगा, मतलब 12 आवर्स आपको भूखा रहना होगा। फिर आप जब मेडिकल सेंटर में जाओगे और आप सब फॉर्मेलिटीज करोगे तो आपका ब्लड लिया जाएगा और यूरिन लिया जाएगा, ब्लड और यूरिन का आपका सैंपल लिया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप जाओगे मेडिकल सेंटर तो आपको बहुत बड़े बड़े फॉर्म्स देंगे, 4-5 पेजेस के फॉर्म देंगे जिसमें आपको सभी टिक करना होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला एक मुझे फॉर्म दिया था, ये उन फॉर्म में से एक फॉर्म है। इसमें ऐसे सभी होता है, जैसे कि आपको एब्डोमल पेन है या फिर ब्लड डिसऑर्डर, मतलब सभी जो भी ऐसे मेजर डिसीज या फिर कुछ भी होता है, कैंसर, चेस्ट पेन, जो भी आपका प्रीवियस हिस्ट्री है या जो भी है वो यहाँ पे लिखना होता है। यहाँ पे ऐसे भी है कि ड्रिंक करते हो क्या, स्मोक करते हो क्या, और अगर ड्रिंक करते हो तो कौन सा टाइप वो है, और आपका अगर विजन का प्रॉब्लम है तो विजन का, और अगर थ्रोट में प्रॉब्लम है तो थ्रोट, और फ्रिक्वेंट हेडेक। देखो यहाँ पे मतलब पूरा ये भरा हुआ है दोनों पेजेस। तो आपको यहाँ पे यस और नो लिखना है, और अगर यस रहा तो उसका रीजन की कब से हो रहा है या फिर क्या रीजन है उस पे, और अगर आप कोई मेडिकेशन पे हो पहले से ही, किसी चीज की मेडिकेशन आपकी चल रही है तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। और यहाँ पे मतलब बहुत सारे है कि आपका कोई सर्जरी हुआ है क्या या फिर जॉइंट पेन्स है, एलर्जीज है, सब कुछ आपको देना होता है। तो दोस्तों, उसके बाद में जब आपने सभी फॉर्म्स भर दिया, आपका सभी डिटेल्स हो गए, तो वो आपको एज यूजल जैसे मतलब हम जो इंस्टीट्यूट के मेडिकल्स करते हैं वैसे ही सब होता है। जैसे आपका आई विजन का होगा, आई साइट का होगा, और कलर ब्लाइंडनेस का भी होगा, तो वो आपको ये करके करवा देंगे। और अगर आप स्पेक्स पहनते हो, जैसे मैं पहनता हूँ स्पेक्स, तो आप पहले से ही ये कर दो। और एक ध्यान रखो कि अगर आप हर रोज स्पेक्स पहनते हो मतलब कंटिन्यूअसली 24 आवर्स अगर आप स्पेक्स पहनते हो तो मेडिकल के 2 दिन पहले आप स्पेक्स मत पहनो, क्योंकि क्या होगा कि जब आपका मेडिकल टेस्ट होगा तो आप स्पेक्स नहीं पहनोगे तो आपको थोड़ा ब्लर दिखेगा। जो स्पेक्स पहनते हो उनको तो पता ही होगा कि कैसे होता है। तो मेरी सलाह है कि 2 या 3 दिन पहले आप स्पेक्स पहनना बंद कर दो। मतलब क्या होगा कि जब आप मेडिकल जाओगे तो आप मतलब तुरंत ही वो जब स्पेक्स निकालोगे तो आपको ब्लर नहीं दिखेगा, आपको इजीली होगा। लेकिन आप मेंशन करो कि आप स्पेक्स पहनते हो। अगर आप डेक डिपार्टमेंट में हो तो आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है कि स्पेक्स ऐसे कुछ, लेकिन आप इंजन डिपार्टमेंट में हो तो आपको स्पेक्स अलाउड है। तो मैंने मेंशन किया था कि स्पेक्स है मेरे पास, और फिर उन्होंने ऐसे ही देख लिया और मेरा जो 6x9 का आ गया तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद में दोस्तों ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है, जिसमें आपको हेडफोन जैसे पहनाते हैं और लेफ्ट और राइट में जो अलग अलग फ्रिक्वेंसी में ये करते हैं तो वो होता है। फिर इसके बाद में आपका सोनोग्राफी करते हैं वो, और ECG करते हैं। फिर उसके बाद में आपको बस वेट करना होता है कि आपके रिपोर्ट्स आ जाए, और जल्दी से आ जाते हैं रिपोर्ट्स।
तो चलिए अभी इसके बारे में जानते हैं कि ये रिपोर्ट में क्या क्या होता है, तो थोड़ा आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मुझे कंपनी ने भेजा था ये सब टेस्ट करवाने थे। तो इसमें कैसा था, ऑडियोमेट्री जो मैंने आपको अभी बोला, और फिर ये लिवर फंक्शन का जिसमें ये आपका सोनोग्राफी में आ जाएगा, और फिर ब्लड टाइप, ब्लड काउंट, डेंटल एग्जामिनेशन, आपका मुंह का भी डेंटल एग्जामिनेशन होगा और वो आपको पूछेंगे सभी सब कुछ, फिर चेस्ट का एक्सरे, ईसीजी, और ये हेमेटोलॉजी टेस्ट, और फास्टिंग ब्लड शुगर। और ये फास्टिंग ब्लड शुगर मतलब जो मैंने कहा था आपको कि 12 आवर्स पहले, मतलब 12 आवर्स बिफोर मेडिकल्स आपको फास्ट करना होगा, भूखे रहना होगा, भूखे पेट ही आपको ब्लड और ये देना पड़ेगा। उसके बाद में आपको भेज देते हैं, ब्रेकफास्ट करके आ जाओ, फिर उसके बाद में आप ये कर सकते हो। और फिर ये हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, लिपिड प्रोफाइल, और मतलब यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट है। तो ये सारे टेस्ट थे। तो इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो कलर का इसका है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि कौन सा है, जो आई टेस्ट का भी होता है। तो आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि आई टेस्ट में क्या क्या होता है, और अगर आपका कोई इश्यू है, मतलब आपका अगर वो रेंज में नहीं पड़ता, तो इट्स बेटर कि आप पहले ही आपका जो भी लेसिक है वो करवा लो, क्योंकि अभी मेरा रेंज के अंदर था इसलिए चल गया, लेकिन जो डेक डिपार्टमेंट वाले हैं उनको तो थोड़ा भी एरर अलाउ नहीं है, तो आप पहले से ही जान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, तो एक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो इसमें क्या है, आई और विजन प्रॉब्लम का ये चेक करते हैं, फिर हाई ब्लड प्रेशर, और कोई हार्ट की डिसीज है, कोई सर्जरी हुई है, और अस्थमा, ब्लड डिसऑर्डर, डायबिटीज, थायराइड प्रॉब्लम। एक बंदे का कमेंट आया था कि थायराइड का कोई इश्यू रहा तो चलेगा क्या, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि थायराइड का कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिप पे जाके फिर कोई प्रॉब्लम हो गई तो बहुत सीन हो जाएगा। तो थायराइड का भी मतलब वो चेक करते हैं, फिर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, किडनी प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, एलर्जीज, हर्निया याद रखिए, और जेनाइटल डिसऑर्डर्स, और डू यू स्मोक और यूज अल्कोहल और ड्रग्स, अगर आप करते हो तो मेंशन कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड में आ जाएगा अगर आपने रिसेंटली किया है। तो इसका है, मैं इसका भी दिखाऊंगा कि ड्रग टेस्ट भी होता है इसमें, और इसमें मेंशन भी किया है कि कौन सा ड्रग का टेस्ट हुआ है। तो आप बेटर कि अगर आप करते हो तो रोक दो, क्योंकि अच्छा नहीं है, और बेटर आपकी हेल्थ भी उससे डिस्ट्रॉय हो रही है। उसके बाद में साइकेट्रिक प्रॉब्लम, डिप्रेशन, लॉस ऑफ मेमोरी, बैलेंस प्रॉब्लम, थोड़े लोगों को बैलेंस प्रॉब्लम भी होता है, मतलब वो ढंग से बहुत देर तक खड़े नहीं रह सकते, तो इसका भी एक ये होता है। और फिर हियरिंग, जो मैंने ऑडियोग्राफी का बोला था आपको, और ये फ्रैक्चर और डिसलोकेशन। तो इसके बाद में आपको, हाँ, तो अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे ये वाला पेज है, ये मेरा आई टेस्ट का और ऑडियोग्राफी का है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट आई और राइट आई, वो सब मतलब विदाउट स्पेक्स और विद स्पेक्स, वो सब भी इसमें ये कर सकते हैं। और फिर हियरिंग का आप देख सकते हो, राइट ईयर का मतलब जितने जितने फ्रिक्वेंसी पे वो जो करते हैं, तो आवाज आती है, कुछ नहीं आता, बस आवाज आती है, हमें बटन दबाना होता है जब तक आवाज हमें आ रही है, जब आवाज आना बंद हो जाए तब बटन आपको छोड़ देना होता है, फिर इससे उनको पता चलता है कि हियरिंग अपनी कैपेसिटी कितनी है। और फिर ये स्पीच एंड विस्पर टेस्ट, ये पता नहीं, ये सिर्फ मतलब शायद नॉर्मली हम जो बोलते हैं उससे हो जाता है। और फिर हाँ, तो अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे ये ड्रग स्क्रीनिंग इम्प्रेशन। तो यहाँ पे आपका मतलब जो यूरिन का सैंपल लिया जाता है उसमें ये देखा जाता है कि आपके बॉडी में कोई ड्रग है या आप कोई ये कर रहे हो। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये एम्फेथामिन, ये पता नहीं कौन सा ड्रग है। तो इसका आप रिजल्ट देख सकते हो, सभी के नेगेटिव है थे। ये ओपियाटिस, पता नहीं ये कौन सा है, कोकेन, हाँ नाम सुना है कोकेन, तो कोकेन का भी टेस्ट होता है। मारिजुआना, हाँ मारिजुआना मतलब जो अपना गांजा होता है, वीड, वो वाला। और बाबियर, ये पता नहीं क्या है, और अल्कोहल, तो ये तो पता है। फिर इसमें ना, जब आप मतलब जो वहाँ का मेन डॉक्टर होता है, तो वो आपसे मतलब सभी पूछता है कि हाँ तुम दारू पीते हो क्या, या फिर तुम स्मोक करते हो, या फिर तुम ड्रग ये करते हो। तो मतलब आप अगर झूठ भी बोले तो भी क्या होगा कि आपके टेस्ट में तो पता चलेगा ही, और अगर आप रेगुलर यूजर हो इसके तो आपके बॉडी में रहेगा ही। अगर आप ओकेजनली कभी कभी कर लेते हो तो शायद चल सकता है, लेकिन अगर आप रेगुलर यूजर हो तो ऑब्वियसली ये ब्लड अपना जो यूरिन है उसमें आएगा। तो मेक श्योर कि अगर आप करते हो तो स्टॉप कीजिए, और अगर मतलब छोड़ ही दीजिए, लेकिन इट्स बेटर कि ये ना हो, क्योंकि इससे मैंने तो बहुत सारे इसमें भी देखा है कि जिनका मतलब जो भी ये वीड हो सब ये करते, रेगुलर जो थे, रेगुलर जो दिन में 6-7 जॉइंट वो सब मारते थे,
तो उनका कभी कभी मेडिकल में आ जाता था, फिर बहुत इश्यू होता था कंपनी से। थोड़े बंदों का देखा है कि इस चीज के कारण उन्होंने अपनी स्पॉन्सरशिप खो दी है, तो बहुत इश्यू हुआ था। और फिर इसके बाद में कुछ नहीं, सिर्फ ब्लड का जो भी अपना ब्लड में जो भी है वो है, इसके बारे में ज्यादा मुझे भी पता नहीं। बीपी वो चेक करते हैं और शुगर चेक करते हैं, और कोलेस्ट्रॉल। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा कुछ कुछ है कि आप क्या है करके। तो यहाँ पे एक सीरोलॉजी करके है, तो यहाँ पे अपना ये HIV का वो सब टेस्ट होता है। तो HIV मतलब वो पहले ही कंसेंट आपका ले लेते हो, जो इतने सारे फॉर्म्स आप भरते हो तो उसमें होता है कि हाँ मैं कंसेंट करता हूँ कि मैं HIV का वो सब टेस्ट दूंगा। तो ये सब वो मतलब वो चेक करते हैं, तो ये होता है। और फिर और क्या है, हाँ तो अभी आप देख सकते हो USG कंप्लीट एब्डोमेन। तो ये जब आपका सोनोग्राफी होता है तो आप देख सकते हो इन सब का। तो इसमें क्या होता है कि आपका लीवर का चेकिंग होता है जो वो करते हैं, फिर ब्लैडर का, पैनक्रियास का, स्प्लीन, RTK, LT, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो उसका एग्जैक्ट क्या क्या है करके, मतलब वो क्या क्या चेक करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ आपका कोई आपको पता है कि हाँ भाई मुझे इसमें प्रॉब्लम है, तो पहले ही आप मेडिकल से पहले ही इसको ठीक करवा लो, क्योंकि मेडिकल में फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों ये सब टेस्ट होने के बाद, मतलब जब आपका सब हो जाएगा, तो डॉक्टर आपको बुलाता है, जो भी डॉक्टर या फिर डॉक्टर कोई भी है वहाँ का हेड, तो वो बुला के आपसे मतलब ऐसे बात करता है अच्छे से कि आपका वो साइकेट्रिक आप कैसे बिहेव करते हो, कि आप साइकोलॉजिकली, वो थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि मर्चेंट नेवी में क्यों ज्वाइन हो गए, या फिर ऐसे कोई भी बेसिक क्वेश्चंस कि हाँ भाई तू ड्रिंक करता है क्या, ड्रिंक करता है तो हाउ फ्रिक्वेंट यू ड्रिंक, या फिर स्मोक करता है तो हाउ फ्रिक्वेंट यू स्मोक, और आपने मतलब टैंकर ही क्यों चूज किया, बल्क कैरियर क्यों नहीं चूज किया, वो सब होता है। तो मतलब वो थोड़ा देख लेते कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो और आपकी साइकोलॉजिकली कंडीशन क्या है, वो सब देखते हैं आप कैसे हो। तो उसके बाद में वो आपको कहते हैं कि 1-2 घंटा वेट करो, अगर आपने वेट किया 1-2 घंटा तो उसके बाद में आपको मास्टर कॉपी दे जाएगी ये रिपोर्ट की, और एक कॉपी कंपनी में भेजा जाता है, तो फिर उसके बाद में वो कंपनी के आपके प्रोफाइल में अपलोड हो जाता है। तो दोस्तों ये था मेडिकल जो शिप को ज्वाइन करने से पहले होता है। और एक चीज बोलना भूल गया कि मतलब मुझे दूसरे कंपनीज का पता नहीं, लेकिन मेरे कंपनीज का जो भी मतलब डॉक्टर्स टाइप है, जितने भी इंडिया थ्रू आउट इंडिया जितने भी डॉक्टर्स टाइप है, तो हमें पे नहीं करना होता, तो डायरेक्ट जाना होता है, फिर वहां पे वो मतलब उनसे टाइप है इसलिए हमें पे नहीं करना होता, डायरेक्टली हमें मेडिकल देना होता है और वो कंपनी उन्हें डायरेक्ट पे करती है। लेकिन अगर मैंने जो अपना टाइप नहीं है, डॉक्टर जो टाइप नहीं है वहां नहीं, किसी दूसरे DG से करवाया तो ये भी चलेगा, लेकिन क्या है पहले मुझे पे करना पड़ेगा वहां पे, फिर बाद में कंपनी में मुझे क्लेम्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे कर लो। फिर क्लेम्स का एक इश्यू क्या है कि दोस्तों थोड़ा लेट होता है, कभी 2 महीने कभी 3 महीने बाद हमें पैसे मिलते हैं। तो ये बेटर है कि अगर आप टाइप कोई डॉक्टर है तो वहां से ही करवा लो, क्योंकि फालतू में वो 2-3 महीने तक आपका पैसा मतलब अड़कर वहां पे फंस जाएगा। मिलेगा ऐसे नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन फालतू में 2-3 महीने तब तक आप वही पैसा किसी दूसरे चीज पे यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये था कंपनी मेडिकल्स के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।